वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लेटेस्ट अपडेट देखने वाले और लेटेस्ट लेवल भी चेक करेंगे। तो आने वाले वीक में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए, वो भी यहाँ पे हम चेक करेंगे। जैसे वोडाफोन आइडिया 11.15 पे क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन में, यहाँ पे आप देख सकते कि वोडाफोन आइडिया ने तकरीबन 2.29% अप क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था, यानी कि 25 पैसे अप यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका था वोडाफोन आइडिया स्टॉक ने। मीन्स देखा जाए तो पिछले 5 दिन मीन्स यहाँ पे आप देख सकते कि जैसे ओपन हुआ था, ओपन होकर एक अच्छी रैली की थी, पर ऊपर से फिर गिरावट देखने को मिली थी। प्रीवियस क्लोजिंग के साथ ट्रेडिंग करने के बाद फिर से एक अच्छा ब्रेकआउट मिला के एक अच्छी रैली की। डे एंडिंग में यहाँ पे आप देख सकते हाई फिर से गिरावट देखने को मिली थी, हल्के से ओपन हुआ था यहाँ पे 10.95 पे, हाई बनाया था 11.55 का और लो है 10.80 का। मार्केट कैप देख सकते हो 35.94,000 करोड़ का है और पिछले 5 दिनों में करीब यहाँ पे आप देख सकते कि 9.31% की रैली कर चुका है और लास्ट 1 मंथ में तकरीबन 8% के ज़्यादा रैली किया है। ईयर टू दिस डे की भी बात की जाए तो 28% की गिरावट देखने को मिले मंथ ऑफ जानेवारी से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया स्टॉक के अंदर। तो चार्ट एनालिसिस भी देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि इस मंथ में यहाँ पे मंथली प्यूट के नीचे ओपन हुआ था, फिर मंथली प्यूट को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट देके एक अच्छी रैली की। हमने भी बात की थी कि यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे ही वहाँ पे दिखाई दे रहा है रिसेंटली, ऐसे 50 मूविंग एवरेज मुड़ता हुआ ऊपर दिखाई देगा तो और उछाल देखने को मिल सकती है और रजिस्टर 2 के करीब 12 लेवल के ऊपर जाने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक में। तो ये लेटेस्ट अपडेट वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए।